बोलते हैं, यद्यपि हनुमान भगवान राम के लिए अपना कोई स्वार्थ नहीं, केवल भगवान के आदेश के वाहन करने के लिए इतनी बड़ी प्रोजेक्ट लेकर के आगे बढ़े, लेकिन फिर भी ये तीन तीन मैनाक, सुरसा, सिंहिका, रास्ता में इतनी विपद आ गए, आगे की तो बात क्या होगा पता नहीं, जाते जाते रास्ते में ही ये कर्तव्य है। तो इसलिए कोई भी अच्छे काम करो, अच्छे काम से सर्वश्रेष्ठ अच्छा काम भगवत कर्म है। भगवान के काम में भी अड़चन नहीं आएगा, ऐसा मूर्खामी ऐसा सोचना ना, आएगा भगवान के काम में भी। साक्षात भगवान थे और उनके आज्ञा पर, डायरेक्ट उनके ऑर्डर पर हनुमान जी जा रहे थे, लेकिन फिर भी इतने बड़े विपद आया। तो विपद आएगा, कोई भी शुभ कर्म, सत कर्म, भगवत कर्म करो, ऐसा नहीं कि आप करो तो आ जाएगा काम, नहीं नहीं नहीं, नहीं वो तो आएगा। यद्यपि भगवान स्वयं मंगल भवन अमंगल हारी, लेकिन जब भगवान स्वयं इस मंगल भवन ने, जिस दिन उनका राज्याभिषेक होने का था, है कि नहीं, सारे राज्य में डंगुरा बज चुका था, सारे शुभ सांगरी मंगल द्रव्य की इकट्ठा किया जाता था, पुरोहित वशिष्ठ ने क्या क्या व्यवस्था नहीं कर चुके थे, सब सजावट हो चुका था, लोग सब फैमिली सब अपने इन्विटेशन दिए थे, सारे रात भर तैयारी चल रहा था अयोध्या में। लेकिन रात को जो घटना हुआ, सूर्य उगने से पहले ही जिस घटना हुआ, ये क्या मंगल था? वही है मंगल भवन अमंगल हारी, उनके घर में उन्हीं के काम में तो वही हो गया अमंगल, उनको विदा होकर के जंगल में आना पड़ा, है ना। नहीं तो इसलिए किसी भी हम भक्त बन गए, भगवान के काम करते हैं, कुछ अमंगल नहीं होगा, अड़चन नहीं होगा, ऐसा नहीं है, होगा। वी हैव टू फेस इट बुद्धि के साथ, अपने सामर्थ्य के साथ। भगवान की कृपा ही शक्तिशाली है सर्वोपरि, उनके ऊपर पूर्ण भरोसा करके हम लगे तो जयजुक्त होगा, निश्चित सफल तो होना है, लेकिन इस विपदा का सामना करते हुए होगा।